अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं पहुंच चुका हूं अपने छोटे जंगल में और माशाल्लाह चेक कर जी, हमारे सारे परिंदे जो हैं वो बाहर घूम रहे हैं बड़े वाले। आज जो है ना, हमाद भाई ने एक और काम किया कि आज कबूतर एक भी नहीं खोला, सारे कबूतर चेक करे। माशाल्लाह अंदर बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नीचे बैठे हुए हैं, मतलब सारे अंदर ही घूम रहे हैं। माशाल्लाह जी, हमारे 17 कबूतर इधर बैठे हुए हैं, तकरीबन 17 है मेरे ख्याल से। मैंने जो है ना कंफर्म कर लिया 17 ही हैं और बाकी 2 अंडे सामने रेड वाले ने दिए हुए हैं और इसके नीचे जो है ना फीमेल मेरे ख्याल से बैठी होगी, बल्कि बैठी नहीं है ये, सामने ही खड़ी है। तो इसने भी जो है ना 2 अंडे दिए हुए हैं। तो मतलब बाकी देख लेते हैं इस साइड पर हमारे कितने कबूतर हैं। इस साइड पर हमारे हैं जी 1 और 2 और 3 कबूतर इस साइड पर हैं, मतलब 17 और 3 20 कबूतर जो है वो हमारे पास एट ए टाइम हमारे छोटे जंगल में होते हैं। और यार मैंने आज नोट किया कि कल हमाद भाई पानी दे के गए थे पौधों को, मैंने हमाद भाई को बोला है कि एक दिन छोड़कर एक दिन पौधों को जो है वो पानी वगैरह भी दें। और ये चेक करें जी, आगे से काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और न्यू मतलब उसके पत्ते आ रहे हैं। ये वाला जो है ना, इसके कोई पत्ते नहीं आ रहे और इसके भी न्यू पत्ते आ रहे हैं। चेक करें जी, आगे से छोटे छोटे निकल रहे हैं बारीक बारीक, मतलब कि हमारे 2 दरख्त जो है वो पके हैं, गर्मियों तक इंशाल्लाह जो फूल बड़े हो जाएंगे। बाकी हमारी यार ये चकोर नहीं ठीक हो रही, इसको बाजरा वगैरह देना, तो मैंने लड़के को भेजा है बाजरा लेने के लिए। जब तक वो बाजरा लेके आता है मैं अपनी बाकी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। इस केज में चेक करते हैं जी, माशाल्लाह जी बाजरा भी पड़ा हुआ है रूटीन वाइज और हमारी डव बैठी हुई है अंडों के ऊपर, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और एक ऑस्ट्रेलियन इसके अंदर है, इसकी गर्दन वगैरह नज़र आ रही है, ये देखें बाहर निकल आई है। एक ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर बैठी हुई है, एक सामने वाली मटकी के अंदर। तो माशाल्लाह जी मुझे लग रहा है कि ये वाला जो है ना मेल, ये न्यू जगह बना रहा है, यहाँ पर भी अंडे देगी हमारी डव। दुआ करिएगा कि इन दोनों में से एक जो है वो मेल हो और एक फीमेल हो, इससे ये होगा कि हमारी दोनों डबें जो है वो अंडे वगैरह दे, बच्चे वगैरह देने लग जाएंगी और यहाँ पर बहुत जल्द इतनी ज़्यादा डबे होगी। और वो सामने केज में चेक करें जी, हमारी ऑस्ट्रेलियन जो बैठी हुई है ना, उसका भी सर नज़र आ रहा है, मतलब कि हमारी दोनों ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो अंडों को इनक्यूबेट कर रही है। तो बाजरा भी आ चुका है, जल्दी जल्दी डालते हैं अपनी चकोर को बाजरा। हाँ भी बाजरा ले आया है ना, बाजरा आ गया है। और चकोर को उठा ले जल्दी जल्दी, ये वाली चकोर को उठा ले, इसको बाजरा वगैरह देते हैं। तो कोई चीज़ यार ढूंढ बट्टी इस तरह की जिसमें बाजरा जो है वो हम अपनी चकोर को खिला सके, जल्दी जल्दी कोई ढूंढ। तो दोनों हाथों से पकड़ लेना यार, चेन देखो डाली हुई कितना, यार क्या बात है क्या बात है, इतनी प्यारी चेन डाली हुई है, इतने प्यारे कपड़े भी पहने हो ना, तो नीचे जूती भी पहन के आया कर। जूती क्यों नहीं पहनता? ढूंढी बड़ी के मुश्किल काम है ना जूती ढूंढना, तो ये हर टाइम जो है वो इसी तरह रहता है, वो पिंजरे में पड़ा हुआ है यार, वो मिट्टी का बर्तन वो उठा ले। बाजरा मैंने कुछ इसमें डाल दिया और कुछ उधर, तो सारे खा रहे हैं बाजरा। और ये वाली चकोर जो है ना, इन्हें कुछ नहीं खाया, तो इसको दे देते हैं बाजरा। चेक करें अब खाने लगी है बट्टी, इसको इस तरह पकड़ के बैठ ताकि ये आराम सुकून से खा ले। बस हाँ कुछ ना करें, बस खाने दे इसको, ये आराम सुकून से खाए। और उधर देखें यार, ओए ओए टर्की बर्ड, ओए उल्लू का पट्टा जो है ना, टर्की बर्ड जो है वो हर किसी को मारता रहता है। तो चेक करें जी, बाजरे की कोशिश खा रहे हैं, खाओ आराम सुकून से खाओ, लेकिन किसी को मारो तो ना, देखें आप प्यार कर रहे हैं। लेकिन यार ये बहुत गंदा बच्चा है, ये हर किसी के साथ लड़ता है। हमारा जो मोर है ना वो लड़कों के साथ लड़ता है, छोटे छोटे लड़कों के साथ। ये इनकी इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे मोर को पकड़ के दिखाए या इसके पास चले जाएं। बाकी जो है ना, बाकी सारों को पकड़ लेते हैं, सिर्फ हमारा मोर जो है ना वो बाकी लोगों का जानी दुश्मन है। माशाल्लाह जी हमारी चकोर लगी पड़ी है खाने में और काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो मेरे से अब डरती नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं डरती, लेकिन आगे से मतलब डरती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। और माशाल्लाह चेक करें, हमारा मोर भी खा रहा है आज, मतलब सारों के पास आकर, जैसे कोई यहाँ पर नहीं होता ना तो ये मोर जो है ना वो मेरे करीब भी आ जाता है, लेकिन जब कोई न्यू आदमी आता है ना तो मोर जो है वो डर के मारे ऊपर चढ़ जाता है, ये कहीं दूर चला जाता है, मेरे करीब बिल्कुल भी नहीं आता। चेक करें अब सारी चीज़ें हमारी खा रही हैं, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह जी हमारी चकोर खा रही है। और इधर चेक करें, इसके काम चेक करें, चोर जो है ना वो भागा आता है तो चकोर भी बेचारी तंग आ जाती है। चेक करें अब फिर से आ गया। तो यार ये टर्की बर्ड की फीमेल जो है ना, ये देखिए इतनी भूखी है ना, मैंने इसको इतनी बार जो है वो वापस भेज दिया, लेकिन ये जो है ना ये खाने के लिए इतनी भूखड़ है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। बाकी माशाल्लाह चकोर जल्दी जल्दी खा ले, फिर मैंने बाकी परिंदों को भी देना, जल्दी जल्दी खा ले। माशाल्लाह हमारी ये चकोर जो है ना, ये हो चुकी है फुल माशाल्लाह, इसने सारा खा पी लिया है, मौज मस्ती कर ली है। तो अब जो है ना इसे मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज वाला जो पिंजरा है ना उसमें कोई रख दे। ये ले यार ऑस्ट्रेलियन तोते वाले पिंजरों में इसको छोड़ा, जल्दी जल्दी जा दरवाज़ा खोल के ना उसमें छोड़ा। तो बाकी जो बाजरा बचा है ना, ये मैं सोच रहा हूँ आधा जो है वो कबूतरों को डाल देते हैं, आधा जो है ना वो अपने परिंदों को डाल देते हैं, बाकी शाम को तो डालना ही डालना है, लेकिन अभी की जो बात है ना वो मैं यही सोच रहा हूँ कि अपने कबूतरों को डाल देते हैं। कबूतरों को बाजरा मैं फेंक रहा हूँ, तो देखते हैं हमारे कबूतर खाते हैं या नहीं खाते। सारे नीचे उतर आए हैं, तो थोड़ा सा बाजरा मैंने कहा इनको फेंक दूँ, उसके बाद जो बचेगा ना वो अपने बाकी परिंदों को दे दूंगा। तो बाकी परिंदों में जो है ना, सबसे पहले तो मैं मोर के लिए जो है वो ऊपर फेंकता हूँ इस जगह पर, और ट्राई करते हैं कि अगर हमारा मोर यहाँ पर खाने लग गया ना, तो यहाँ पर रोज़ उसके लिए अलग से बाजरा फेंक दिया करेंगे, क्योंकि वो नीचे हम जो हमारे से डरते हैं
वो खाता ही नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अपने मोर को जो है वो ऊपर दे दूँ ताकि ये आराम सुकून से यहाँ पर आके खा लिया करे, बाकी परिंदे तंग नहीं करते। फिर मोर के लिए बाजरा मैंने यहाँ पर रख दिया, बाकी जो है ना वो बाजरा यहाँ पर फेंक देते हैं ताकि बाकी परिंदे खा ले। आ, 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 आ। बाकी सारे परिंदे जो है वो यहाँ से खा लेंगे। ये बाजरा मैंने सारा कर दिया, फेंक दिया, तो ये यहाँ पर आकर खा रहे हैं। और मोर को जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि ऊपर भेज दूँ ताकि वो आराम सुकून से वहाँ पर खा ले। तो मोर के लिए जो है वो बाजरा वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करता हूँ मोर को उधर भेजने की। मोर को जो है मैं डरा तो रहा हूँ, लेकिन मोर जो है वो ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इसको लग रहा है कि नीचे ही बाजरा पड़ा हुआ है, सब कुछ ये गया मोर को नजर आ गया बाजरा और मोर खाना स्टार्ट हो गया। जी हमारा ये मिशन भी जो है वो कामयाब हो चुका है, हमारा मोर ऊपर बाजरा खा रहा है आराम सुकून से। चेक करें कितना ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा है अलग खाते हुए। तो मोर को अगली बार से जो है यहीं पर डाला करेंगे ताकि ये आराम सुकून से खा ले। और नीचे चेक करें सारे कबूतर नीचे आए हुए हैं और खा पी रहे हैं और पानी वगैरह भी पी रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और बाकी परिंदे इधर लगे हुए हैं। चकोर को जिसको मैंने बाजरा वगैरह खिलाया था ना, वो देखें अभी भी खा रही है इस पिंजरे के अंदर आकर। इस पिंजरे में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हम माद भाई जो है इसको अलग डाल के जाते हैं, तो अलग जो है वो अकेला अकेलापन महसूस होता है, तो इसलिए जो है वो मैंने जो है वो चकोर को उस साइड पर डाल दिया कि वो बाकी परिंदों के साथ आराम सुकून से रह लेगी। और इधर एक और चीज़ मैंने नोट की है कि ये चक्कर ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, सबसे भूखड़ इंसान जो है ना वो उधर घूम रही है। वैसे तो ये बाजरा मेरे पास पड़ा हो तब भी आ जाती है, लेकिन अब देखें मैंने बाजरा उस साइड पर फेंका ना, फिर भी नहीं खा रही। इतनी बड़ी फिल्म है ये हमारी टर्की बर्ड की फीमेल। बाकी ये आज का जो ब्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।